लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रत्याशी व पूर्व मंत्री उदयलाल अंजना पहुंचे सावलिया जी, जहां अंजना ने टिकट मिलने के बाद पहली बार सावलिया जी पहुंचकर भगवान श्री सावलिया सेठ के दर्शन किए। अंजना के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ा व कपासन, पूर्व विधायक शंकरलाल बेरवा वल्लभ नगर और पूर्व विधायक प्रतीश सत्तावल प्रतापगढ़, पूर्व विधायक रामलाल मीणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भेरूलाल जाट सहित कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अंजना के सावलिया जी पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अगवानी कर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर तथा आतिशबाजी कर स्वागत किया है। अंजना के भगवान श्री सावलिया सेठ के मंदिर में पहुंचने पर श्री सावलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, बोर्ड सदस्य ममतेश शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, शंभू सुधार सहित कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने अगवानी कर स्वागत किया है। साथ ही सावलिया जी सरपंच शमीम बानो, उप सरपंच रश्मि जैन, पूर्व उप सरपंच आजाद हुसैन, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोहर लाल जैन ने भी साफा पहनाकर स्वागत किया है। कंगरा टोल से लगाकर यहाँ तक जो आप कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत बताई थी, संदेह इससे पूरे जिले में वातावरण बनेगा और मेरी भी इच्छा यही थी कि मैं सीधा सावरिया जी होके आऊँ। रास्ते में 5-4 जगह और भी स्वागत अभिनंदन करने का रखा था, लेकिन मैंने कहा पहले सावरिया जी के दर्शन नहीं करूँगा जब तक चुनाव का अभियान भी शुरू नहीं करेंगे। तो चुनाव का अभियान ही आज से ही शुरू समझ लो। ये शाम को अशोक गहलोत में आप लोगों ने विपरीत परिस्थिति में जो 98 में जसवंत सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा था, जब भी ऐसे उत्साह और उमंग देखने को मिली थी और आज भी वही है कि कल